जी इस टाइम हम ये सेक्टर इस्लामाबाद 612 में है। अपना जो है इधर एक फैमिली है हमारी, मिनोरिटी से है, क्रिश्चियन फैमिली है, सीडीए के मुलाजमीन हैं, इंतहाई शरीफ लोग हैं, खुदा के खादम हमारे साथ हैं, पास्टर साहब इन्होंने बावर करवाया कि इधर फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है। बाकी देखें ये मैं मैसेज आज का बड़ा स्पेशल मैसेज है, ये आईजी इस्लामाबाद साहब और डीआईजी ऑपरेशन साहब और थाना अपारा की दूध है। तो इधर कोई इनको चंद लोग हैं जो फायरिंग करते हैं, हवाई और करप्ट लोग हैं, डराते धमकाते हैं, तो खुदा रहा हम सियासत नहीं करते, हम बड़े पुर अमन लोग हैं, प्लीज़ इन बच्चों का ख्याल करें, आप हमारे भाई हैं, इस तरह की रस्म को ना पैदा किया जाए। और डीआईजी साहब मेरा आपसे ये सवाल है और मैं विनती करता हूँ कि ये फैमिली के हम पास हैं, इनकी बात सुने कि बजाय के जैसे इनके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं कि किसी जानी नुकसान हो जाए तो कल को कौन जिम्मेदार होगा। तो किसी भी इंसान को तहफ़ देना, कानून का जो है कानून से बलातर कोई नहीं है, वो फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ आप बात करें जी, आप सब बात करें कि क्या मसाइल हैं आपके साथ। मसाइल ये कि मतलब जो भी आता है सू डरा धमका है, पिस्टल फायरिंग करता है और सू कहता कि मतलब तुम छना नहीं है, औरतों भी मारना है, बच्चों भी मारना है, किसी को भी मैं छोड़ना। तो मतलब चार पाँच दिन अभी मतलब नींद नहीं साड़ी पूरी हो रही, सानू सौ नहीं देता, तीन तीन चार चार बजे तक साड़ी खिड़की को खड़ो के फायरिंग करता रहता है। तो असं तो ये चाहते हैं कि सानू इंसाफ दिता जाए और इवें लोगों को मोड़ा जाए, अभी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं गरीब लोग जी। ये जुल्म की इंतहा है जी। आप भजन मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास नून लीग के या आपके हमारी कम्युनिटी के पास्टर आए तो बड़े शुक्र गुजार हैं पहले तो आपके कि आपने हमारी आवाज़ सुनी, और यही आप में से है इतिहास के जितनी भी जल्दी हो ना ये अंधा ये कानून बनाया हुआ है। चलो किसी पुलिस वाले का बेटा है या पुलिस वाले का भाई है, ये राजा है मतलब या फैसल है जो भी है, तो ये इंतहा है। मतलब अभी हम गरीब लोग हैं, हम तो झाड़ू वाले लोग हैं, हमें इन चीज़ों लड़ाई झगड़ों से हमारा कोई तलब नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम तो इस कैपिटल सिटी को खूबसूरत बनाने में सी डी ए के एम्प्लॉय, हमारा ये कोई इसमें नहीं है, ना हम दुश्मनदारी वाले लोग हैं, हमें तफ्स चाहिए। चले आप लोग आए हैं नून लीग की तरफ से, तो ये सबसे बड़ी बात कि बड़ी हमारी आपने आवाज़ सुनी, 15-20 मिनट में आप हमारे पास पहुँचे, तो अब आपने जो आगे करना है ये आपका ही है अमल जी। ये मकामी पास्टर हैं, पास्टर अजीज साहब, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं सरदार नज़ीरुल्लाह खान साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम हमारा मकसद ये है इस्लामाबाद में अमन प्यार मोहब्बत का प्रचार करना। पर हमारा जो गुजारिश है आई जी साहब से, डी आई जी साहब से, कि इस चीज़ का फौरन मदावा किया जाए और इस फैमिली को जो है वो तहफ़ दिया जाए। ये जो तहफ़ देना कानून की जिम्मेदारी है जी। सरदार नज़ीरुल्लाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी साहब जो कि हमारे दोस्त हैं, शाम को इन्होंने हमें इतला दी। बेसिक तौर पर देखा जाए तो ये जो जिन भाई साहब के हम घर बैठे हुए हैं ये सी डी ए के सरकारी मुलाजम हैं, और ये जो घर मिला हुआ है ये सी डी ए का सरकारी घर है। इनके साथ जो राजा फैसल नामी लड़का जो इनका मल्लेदार है वो भी यहाँ पर रहता है, और उसका घर भी सरकारी है, जो उसके जो बताया जा रहा है कि उसके वाल साहब पुलिस में है और उसका एक भाई पुलिस में है। जो बात अभी सुनने में आ रही है कि वो हमेशा जनाबे वाला यानी कोई नशा वगैरह करके या कोई बदमाशी वगैरह और पिस्तौल से हवाई फायरिंग करके जो आए रोज़ के जहाँ पर वाक़ियात हैं थाना अपारा की हदूद में, चूँकि ये चीज़ आती है यानी, तो ये तो किसी भी ना ही सरकारी मुलाजम की और ना ही किसी सरकारी घर के ऊपर, ये SOP में ही नहीं आता कि यानी दूसरे पड़ोसी को बिला वजह तंग किया जाए। इस्लामाबाद में बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि यानी ऐसे लड़ाई झगड़े या फितना फसाद करने वाले जो भी लोग थे उनके क्वार्टर को कैंसिल किया गया और उनको बेदखल किया गया। अब हमारी भी ये रिक्वेस्ट है आला हुकाम से कि इस बात को फौरी तौर पर अपरा पुलिस का यानी ये स्टेशन बनता है, ये जो मौजूदा इलाका है यहाँ के जो मजदीन हैं ये लोग तकरीबन जो इन्होंने खुद बताया कि हम तकरीबन तीसरी नस्ल से यहाँ पर हम रह रहे हैं, इनके बारे में भी और दिगर मल्लेदारी से भी लोगों से पूछ कर इस बात की इंक्वायरी की जाए और इस बात का सख्ती से नोटिस लिया जाए कि जहाँ पर फैमिलीज रहते हैं, जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं,
जब हम इस फैमिली के आए तो ये इंतहा खौफजदा थे, ये इंतहा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एलमी है। यानी इसी तरह हमारे पास अजीज साहब हैं जहाँ चौधरी मंसूर आकाश दावा साहब F7 से वाइस चेयरमैन हैं UC02 के, तो हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया जाए और इस खानदान को तहफ़ फराहम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाकी जो है हमारी जो सियासी वाबस्तगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, चौधरी अलादिता साहब हैं, मलिक अख्तर अवान साहब हैं, दीगर हमारे जितने भी भाई हैं बैन मजाहब हम आम आंगी पे जो काम कर रहे हैं, उलमा कराम भी हैं। देखें मसीह कौम एक मजलूम कौम है इस मुल्क में, तो खुदा रहा जैसे कि सरदार साहब ने भी बात की है, तो ये कानून का काम बनता है IG साहब का DIG साहब का कि ये सख्ती से जो है ये थाना पारा का लेके SHO पारा साहब जो है सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लें। हम दूसरी जो इधर वो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकत, उनके पास भी हम जगह लेके जाएंगे, उन्हें भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा रहा इन लोगों के साथ ऐसा ना करें, हमारा अमन का मैसेज है। तो हम जनाब रिक्वेस्ट करते हैं कि IG साहब इसका सख्त से सख्त जो है नोटिस लिया जाए और इस फैमिली को तहफ़ फराहम किया जाए, जैसा कि ये 3 दिन से बेचारे परेशान हुए हैं। तो हम अपने मकामी खादम के शुक्र गुज़ार हैं पास्टर अजीज़ साहब के भी, बल्कि एक मौलाना साहब ने भी हमारे साथ आना था, उन्होंने भी जब ये बात सुनी उनकी तबीयत नासाजगार थी वो नहीं आ सके, उन्होंने भी इस चीज़ का दुख का इजहार किया कि बेटियाँ बहनें माएँ बहनें सांझी होती हैं कि जी मैं घर में आऊँगा सबको फायर मार जाऊँगा, इसी तरह बात हुई थी। हाँ तो ये बुरी बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कोई नशे में बेटे को मारा, गाड़ी भी तोड़ी है और जो दरवाजे को ठुड्डे लगाता है मारता है उसका नाम है विकास चले जी। ये IG साहब से रिक्वेस्ट की है वो सख्ती से नोटिस लें, थाने पारे का ये इलाका बनता है। बहुत शुक्रिया जी, खुदा ताला इंसाफ करेगा।